So now students, let us discuss ke jo Prestashop hai wo kaun kaun se tools ko use karte hue ya kaun kaun se programming language ko use karte hue develop kiya gaya hai. Although hum logo ne iski core development bilkul nahi karni, lekin at the end of the day, at times jab humne iske andar koi humne koi extension add karni hai ya humne koi plugin add karna hai, to us waqt aapko ye malum hona chahiye ke iski iska jo programming environment hai, iska jo framework hai, wo kya hai. Simply speaking, jo hum logo ne XAMPP ka jo environment tha, jab humne XAMPP ko install kiya tha, isko bhi yani jo Prestashop ki installation hai aur jo uska usage hai, wo hum log XAMPP ki environment mein rehte hue hi iske development karenge. So XAMPP se murad kya thi ke jo hamara web server hai wo basically Apache hai, yani XAMPP mein jo X ka word hai, that is for the platform. Hum kyunki Windows ke upar kar rahe hain, to hamare case mein jo X hai, that will be W, matlab Windows ho jayega. Agar aap Linux mein kar rahe hain to wo different hoga. To ek window ka platform hai, number 1. Number 2, jo A hai wo hai hamara Apache, yani jo hamara web server hai. Asan lafzon mein, jo web page ya jo website aapko aur mujhe as a end user nazar aati hai, wo actually kisi server pe host hui hoti hai. Ab ye server us server se different hai jahan pe जहां से हम लोग ने ये देखा था कि डोमेन नेम परचेस करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमने 1&1.com से ये देखा था कि आप डोमेन नेम कैसे परचेस कर सकते हैं, और फिर आप उसके ऊपर आप कोई भी वेबसाइट, यानी हमने हमने जब वर्डप्रेस को होस्ट किया था Amazon के ऊपर, तो वो Amazon का आप समझे स्पेस सर्वर था, यानी ये हमें Amazon ने वो स्पेस दी थी जहां पे हमने कोई सॉफ्टवेयर को रन किया था. वेब सर्वर से मुराद ये है कि जो हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे Prestashop की, उसका जो वेब पेज मुझे और आपको नजर आना है वो कोई वेब सर्वर रन कर रहा होता है. मतलब जैसे ही हम लोग ब्राउजर में, फॉर एग्जांपल हम कोई डोमेन नेम लिखते हैं या कोई आईपी एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो जो हमारी रिक्वेस्ट है वो बेसिकली डायरेक्टली वेब सर्वर के पास जाती है, और वेब सर्वर हमारी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमें कोई वेब पेज ला के दे देता है, आसान लफ्जों में. तो हमारे केस में अपाची वुड बी द वेब सर्वर, सो XAMPP का जो ए वाला वर्जन है या जो ए वाला वर्ड है, दैट वुड बी अपाची. उससे आगे चलें, जो एम है, एम इज बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग डेटाबेस. हमारे केस में ये मारिया डीबी है. कुछ अरसा पहले जब माई एसक्यूएल ओपन सोर्स और फ्री होता था, तो उस वक्त ये जो एम है, दैट वॉज माई एसक्यूएल, यानी ये हमारा डेटाबेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. जो MySQL है, इट्स नो मोर फ्री, यानी उसको अब वो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है. तो जो MySQL का कम्युनिटी वर्जन है, कम्युनिटी वर्जन वो वर्जन होता है जो मैं और आप एज अ फ्री यूज कर सकते हैं, उस कम्युनिटी वर्जन का नाम है MariaDB. यानी आसान लफ्जों में, जो Prestashop का टेक्नोलॉजी स्टैक है वो विंडो है, अपाची, यानी विंडो हमारे केस में विंडो, अपाची वेब सर्वर है, MySQL या MariaDB डेटाबेस है, और जो PHP है उसके अंदर जो Prestashop है इसकी कोर डेवलपमेंट हुई हुई है, और जो XAMPP का दूसरा P है, दैट इज फॉर पर्ल. अब जो पर्ल है, इट इज बेसिकली आप यूं कह लें थोड़ी सी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम लोग आप यूं कह लें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं. लेकिन ये सर आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये XAMPP का पार्ट है, लेकिन जो Prestashop है वो कोर PHP के अंदर बना हुआ है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट Prestashop 1.7, जो करंट बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है एज वी स्पीक इन मई 2018. तो चार चीजें आपने दिमाग में रखनी है, अपाची, PHP, MySQL और जो भी आपका एनवायरमेंट है. ना यहां पे एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि जैसे हमने पहले मेजेंटो को जो हमने इंस्टॉल किया था, उसको यूज किया था, वो हमने लोकल होस्ट पे किया था, यानी मैंने सिर्फ अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया था लोकल होस्ट के ऊपर, और फिर हमने उसको यूज किया था. Prestashop में हम एडिशनली एक काम और करेंगे कि हम Prestashop को क्लाउड के ऊपर भी रन करेंगे. क्लाउड से मुराद ये है कि आपको मैं ये बताऊंगा कि हाउ यू कैन बाइंड अ वेब नेम, डोमेन नेम, लाइक फॉर एग्जाम्पल junkiesstore.com, मैंने एक डोमेन परचेज की हुई है, उसके ऊपर आई विल शो कि हम लोग उस डोमेन पे जब हम लिखेंगे ब्राउजर में,
तो आपके प्रेस्टाशॉप का ऑनलाइन स्टोर ओपन हो जाएगा, यानी आप जो इंस्टॉलेशन है अपने कंप्यूटर से उठा के इंटरनेट पे ले जाएंगे। तो एक हम लोग इसके अंदर मतलब जो प्रेस्टाशॉप की इंस्टॉलेशन है वो हम लोग लोकल होस्ट पे तो करेंगे ही करेंगे, बट आई विल शो यू हाउ टू डू द इंस्टॉलेशन एंड हाउ टू इनफैक्ट रन द शॉपिंग कार्ट ओवर द इंटरनेट, यानी लाइव शॉपिंग कार्ट हम लोग चला के देखेंगे। और जब हम ये कहते हैं कि हम लोग लाइव शॉपिंग कार्ट चलाएंगे तो उसका मतलब ये कि हम लोग लिनक्स की एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब यूज़ करने से मुराद ये है कि आप यूँ कहें कि जिस सर्विस प्रोवाइडर से मैंने डोमेन परचेज की हुई है या होस्टिंग सर्विसेज ली हुई हैं वो बेसिकली लिनक्स पे होस्ट है, क्योंकि जो लिनक्स है दैट इज़ द फास्टेस्ट वन बाय जस्ट राइटिंग द डोमेन नेम। जो भी आपका यूआरएल है वो आप लोग आप लिखें ब्राउजर में तो आपका जो प्रेस्टाशॉप की शॉपिंग कार्ट है that will start running. So that will be all about the technology stack.